हेलो, कैसे हैं आप लोग? तो वेलकम अगेन। और हम जो है आज सैनिक स्कूल में ना जीके के अंदर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है विटामिंस। तो मैं इस पर ज़्यादा नहीं, डायरेक्टली जो है आपको पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें बताऊंगा, ठीक है? तो विटामिंस, तो सबसे पहले विटामिन होते क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जो कि बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म होता है उसके लिए हेल्प करते हैं, ठीक है? तो इसमें बेसिकली देखिए आपका क्या होते हैं, विटामिन दो तरह के होते हैं, ठीक है? एक तो होता है आपका फैट सॉल्युबल और दूसरा होता है वाटर सॉल्युबल। नाम से ही पता लग रहा है, फैट सॉल्युबल मतलब जो कि फैट में सॉल्युबल होंगे और ये पानी में। तो फैट सॉल्युबल कौन से होते हैं? ए, डी, ई और के। और उसके बाद आपका वाटर सॉल्युबल कौन से होते हैं? बी और सी। तो बहुत से लोग आजकल कहते हैं ना आपको कि फैट नहीं खाना चाहिए, घी नहीं खाना चाहिए, मोटापा होगा, ये होगा, एक्स वाई जेड जो भी होगा। पर इस बॉडी की प्रॉपर साइकी है वो क्या है कि जब तक आप फैट नहीं खाएंगे तब तक ए, डी, ई और के ये बॉडी में सॉल्युबल ही नहीं हो पाएगा। और तो जब सॉल्युबल ही नहीं हो पाएगा तो फिर दिक्कतें होंगी, ये हैं उनकी दिक्कतें, ठीक है? तो इसीलिए जब भी कोई बताए कि फैट नहीं खाना चाहिए, ये होता है, मोटापा होता है, ठीक है, लेकिन एक लिमिट में ज़रूर खाना चाहिए, नहीं तो आपके ए, डी, ई और के सॉल्युबल कैसे होंगे, ठीक है? और दूसरा है सिंपल वाटर सॉल्युबल, ये तो पानी में ही सॉल्युबल हो जाते हैं, बी और सी, ठीक है? तो अब हम चलते हैं थोड़ा इनके ऊपर, विटामिन के इंडिविजुअल कैटेगरी के ऊपर। तो सबसे पहले तो होता है का विटामिन ए। विटामिन ए का एक अच्छा सोर्स मैं आपको बताता हूँ, गाजर। गाजर जो है विटामिन ए का एक बहुत अच्छा सोर्स है, ठीक है? तो विटामिन ए की जो डेफिशिएंसी होती है उसकी वजह से क्या होता है? नाइट ब्लाइंडनेस, ठीक है? उसके बाद आता है विटामिन बी। विटामिन बी जो होता है उसकी कमी से क्या होता है? बेरी बेरी, ठीक है? उसके बाद विटामिन सी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी, ठीक है? उसके बाद विटामिन डी। यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना, विटामिन डी की कमी से ना रिकेट्स भी होता है और ऑस्टियोमलेशिया भी होता है। जो बच्चे होते हैं, बच्चे, छोटे बच्चे, उनके अंदर जो बीमारी होती है ना, पैरों में दिक्कत आ जाती है, तो उसको रिकेट्स बोलते हैं। यानी कि ये किस में होता है? ये होता है बच्चों में और ये होता है आपका एडल्ट्स में। ऑस्टियोमलेशिया बड़ों में होता है और रिकेट्स होता है बच्चों में। और विटामिन जो ई है इसकी कमी से क्या होता है? अनेमिया। और विटामिन के, विटामिन के की कमी से बेसिकली होता क्या है कि जब आपका कहीं कट लग जाता है ना तो फिब्रिन नहीं बनता है, और जब फिब्रिन नहीं बनता है तो खून लगातार निकलते रहता है, ठीक है? तो ब्लीडिंग जो है रुकती नहीं है। अब यहाँ पे थोड़ा सा मैं आपको एक काम दे रहा हूँ जो कि आपको करना है। वो क्या करना है? ये जो विटामिन्स है ना, इनके अपने केमिकल नेम बोलो चाहे साइंटिफिक नेम बोलो। जैसे विटामिन ए का क्या होता है? रेटिनॉल, ठीक है? उसके बाद आपका विटामिन सी, विटामिन सी का क्या होता है? एस्कॉर्बिक एसिड, ठीक है? तो ये जो है ना आपको विटामिन ए, बी, सी, डी, ई और के, इनके आपको केमिकल नेम थोड़ी सी मेहनत कीजिए, खुद ढूंढिए और याद कीजिए। एग्ज़ाम में ये भी डायरेक्टली पूछा जाता है कि रेटिनॉल किसका केमिकल नेम है विटामिन ए का, एस्कॉर्बिक एसिड किसका है, सी का है। अब इन सब के अंदर एक ऐसा विटामिन है जो कि आपको रॉ फॉर्म में लेना चाहिए। अगर उस पर अगर आपने हीट दे दी तो वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। तो वो कौन सा होता है? विटामिन सी। कभी आपने देखा है कि नींबू को गर्म करके खाया जाता है? कभी नहीं, उसको रॉ फॉर्म में लिया जाता है, विटामिन सी, ठीक है? अब आजकल अलग अलग जगह अलग अलग फैशन चल रहा है, वो अलग बात है, लेकिन विटामिन सी हमेशा हमें कोशिश करनी चाहिए रॉ फॉर्म में लेने की, ठीक है? उसके बाद आपका आता है विटामिन ई, जो उम्र के साथ साथ चेहरों पे झुर्रियाँ पड़ने लगती है, रिंकल्स पड़ने लगता है ना, ठीक है? तो वो विटामिन ई की कमी से होता है, ठीक है? चेहरे पे झुर्रियाँ आती हैं, ठीक है, चेहरा थोड़ा सा चमक कम हो जाती है एज के साथ ना, तो विटामिन ई की वजह से होता है, ठीक है? तो ये है पूरा आपका विटामिन्स का एक शॉर्ट में मैंने आपको बताने की कोशिश की है। आपका होमवर्क ये है कि इन सारे जो विटामिन हैं इनका साइंटिफिक नेम या केमिकल नेम जो भी आप बोल सकते हैं वो आपको जो है याद करना है, खुद से ढूंढ के, ठीक है?
तो ये आपका जो है बेसिक सैनिक स्कूल है, क्लास सिक्स का टॉपिक, और हम फुल लेंथ एक पूरा ईयरली कोर्स 2023 जनवरी में जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए हमने लॉन्च किया है। हमारी जो ऐप है उसका क्या नाम है, टारगेट लर्निंग 5, ठीक है। टारगेट लर्निंग 5 जो है एक साथ आप लिखोगे तो ये ऐप है, इसके ऊपर हमारा कोर्स है, अप्रैल में लॉन्च होने वाला है। आप उसको जल्दी से जल्दी एनरोल कीजिए और हमारे साथ जुड़ के अपने नेक्स्ट ईयर की जो है तैयारी शुरू कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।